बेटा बस थोड़ी देर और रुक जाओ, बाकी कन्या आ जाए तो। क्या हुआ, कन्या मिली कि नहीं मिली? पूरा मोहल्ला देख लिया, मुझे नहीं लगता शाम तक कोई कन्या हमारे घर आएगी। अब कन्या तो पूरी है नहीं, कैसे जमाऊं इन्हें? जितनी कन्या है हमारे पास उतनी ही जमा लो। नहीं नहीं, माता रानी के जितने रूप और व्रत होते हैं उतनी कन्या जमाई जाती है। सुरभि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दीदी कूड़ा दे दो। सुरभि जरा बाहर आना। क्या हो गया, पैसे मांग रही है क्या? नहीं दीदी पैसे नहीं चाहिए, वो मुन्नी को ना भूख लगी थी तो कुछ खाने को पड़ा हो तो। मुन्नी बेटा आप स्कूल नहीं जाते? भैया कुछ आप इसको ना कुछ खाने को दे देना, तब तक मैं ना बगल वालों का कूड़ा ले आती हूँ। मुन्नी तू यहीं रही हो, मैं अभी आ रही हूँ, है यहीं रुक। तुम इसे कुछ खिला देना, मैं अंदर कन्या जमा रही हूँ। अरे सुरभि मुन्नी भी तो कन्या ही है ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम, अंदर लड़कियां बैठी हुई हैं, वो इसके साथ बैठ के खाना कैसे खाएंगी? पर सुरभि हम क्यों नहीं खिला सकते मुन्नी को, और तुम कैसी बातें कर रही हो ये? अच्छा चलो ठीक है, मैं प्रसाद की थाली लगा देती हूँ, तुम इसे यहीं बैठा के खिला देना, ठीक है? करनी होती है, मना किया था मैंने तुमको, पता नहीं अब उन बच्चों ने खाना खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। बाकी बच्चों को और घर जाने की जल्दी थी, इकलौती मुन्नी थी जिसने चाव से खाना खाया, तुम भी ना। हाँ तुम तो जैसे बड़े दयालु हरिश्चंद्र बन रहे हो। अनमोल, लड़कियां बैठी हुई हैं, वो इसके साथ बैठ के खाना कैसे खाएंगी? प्रसाद की थाली लगा देती हूँ, तुम इसे यहीं बैठा के खाओ।